हेलो दोस्तों, आप भी काइंड मास्टर से वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं जानते हैं तो दोस्तों कैसे रिमूव करेंगे? तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपना काइंड मास्टर को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसको ओपन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद दिखिएगा कि दोस्तों ऐसा वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर से क्या कीजिएगा, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऊपर क्रिएट का प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रेडिएशन ले लीजिएगा, कितना रेडिएशन में लेना है। मैं ये वाला ले लेता हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड के लिए फोटो ले लेंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक करके बैकग्राउंड के लिए कोई सा भी फोटो ले लेता हूँ। तो आपको भी जो फोटो लेना है वो फोटो ले लीजिएगा। मैं एक फ़ोटो यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड के लिए फ़ोटो ले लिया, लेने के बाद दोस्तों इसको फिर से, अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं आया है तो फिर से मैं इसको बैक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि आप ग्रीन पर्दा पर वीडियो बना लेंगे। बनाने के बाद दोस्तों यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो आपका इसमें काइंड मास्टर में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद दोस्तों इसको अच्छा से सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, आप भी इसको अच्छा से सेट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको अच्छा से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक ऑप्शन आता है क्रोमा के का। मैं यहाँ से क्लिक करके देखिए क्रोमा के पर क्लिक करता हूँ। और क्रोमा के पर क्लिक करके देखिए, जैसे ही मैं क्रोमा के पर क्लिक किया तो यह ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद दोस्तों देखिए, इसको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको साउंड को बंद करता हूँ। दूसरा साउंड है तो कॉपीराइट क्लेम का डर रहता है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसका रेडिएशन थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अभी ऐसे करके बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं प्ले किया कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप भी ऐसे रिमूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा सा अभी ग्रीन दिख रहा है तो मैं यहाँ से और भी क्रोमा के ऑप्शन में जाके थोड़ा सा और इसको सेटिंग्स कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले।